चलो चलो चलो, मना कर दिया भाई, बह गया इधर रास्ता। चकने लगे ना पट्टू लाऊं दा बेंद नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक राइड पे जाने वाले हैं, और आज भी संडे है और फिर से मौसम क्लाउडी हो चुका है, आज धूप नहीं है। तो आज एक नया ट्रेल सोच रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक नए मेंबर है, मतलब मेंबर नए हैं लेकिन खिलाड़ी बहुत पुराने हैं वो, रमन नाम है उनका भैया का। तो एक्चुअली हम लोग सब तीनों, मैं, सार्थक और वो, हम तीनों साथ में जाने वाले हैं, एक नया ट्रेल डिस्कवर करेंगे आज, मैं और सार्थक। उनको तो पहले से पता है ये, तो इसीलिए हम यहाँ से निकलेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी की जो भी वीडियो है वो मैं बताता हूँ बाइक के ऊपर बैठने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं घर से निकल गया हूँ और 7:30 बज रहे हैं। पहले मैं पेट्रोल भराऊंगा, फिर मिलूंगा रमन भाई को बाईपास पे, अजबपुर वाली रोड पे, मतलब माता मंदिर वाली रोड पे। तो अभी थोड़ा माल पानी बाकी है, लेकिन ट्रिप 1 सेट करके फिर से पेट्रोल भरा लेता हूँ। ठीक है, 10 लीटर डाल दो। 10 लीटर गले गले तक पेट्रोल भराने के बाद अब निकल रहा हूँ। 10 लीटर भरा दिया है, 953। अब फिर से नापेंगे कि कितना एवरेज देती है गाड़ी। ये मालिक क्या हाल चाल? बस फर्स्ट क्लास। अरे आप तो पूरा राइडिंग गियर पहन के आ रखे यार, बढ़िया। जैकेट तो पहन के रखता हूँ, मुझे भी लेनी है यार अब जैकेट। चले, हाँ कर दिया उसे। 8 बजे शार्प मिल जाएगा वो। 8 बजे शार्प मिल जाएगा। रमन भाई मिल गए। अरे यार, एक बार रैली सीट में बैठ के देखूंगा जरूर यार, कस्टम बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। हाँ यार, कुशन तो बढ़िया है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। अरे भैया, 3 चौक बड़े, 3 के 3 में लाल बत्ती। तो निकल गए, सारे राइडर मिल गए हैं, रमन भाई, मैं, सार्थक और एक और भाई है जो एक्टिवा में ऑफ रोडिंग करेंगे। रमन भाई फर्स्ट क्लास एकदम लीड करते हुए, टांग लगा के कॉर्नरिंग करते हुए। क्या गजब भर रखा यार ये रूट, मजा ही आ गया। अभी जस्ट कैमरा बंद था, मेरे मुंह के सामने से एक चिड़िया उड़ के गई है। चिड़िया थी, कौवा था पता नहीं साला, लेकिन मुंह के सामने से उड़ के गया। मतलब मैं थोड़ी सी और स्पीड में होता ना तो मेरे घुस जाता मुंह के अंदर ही। क्या कड़क मौसम हो रखा, ओ बाप रे, नदी आ रही बहुत तेज। चलो रोड तो बड़ी मस्त हो रखी भाई है। देखो भैया, चलो चलो चलो, हाँ राइट, आर यू रेडी? हाँ हाँ रेडी रेडी भाई, सीधा। देखो भाई, और गाड़ी चल रही मक्खन, ऐसी रोडों के लिए तो बनी है भाई। आ जाएगी गाड़ी मूड में, लेकिन हमारा ना मूड खराब कर दे बस, हमें पलटा के।
सार सब को कोई प्रॉब्लम ना हो बस यहाँ पे। रोड की तो बैंड बजी बड़ी। ये देखो भाई जहां तहां गदेरे निकले हुए। एक मिनट उनके लिए रुक जाते हैं। थोड़ी बहुत तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी झेल लेंगे, हमारा गोप्रो भी झेल लेगा, बट ज़्यादा बहुत नहीं होनी चाहिए। भाई रमन भाई ने तो जैकेट जुकेट पहनी हुई है, लेकिन मैं गिरा तो छिलूंगा बड़ा गंदा। ले भाई पिछवाड़े तक पानी चला गया। गलत कर दिया, गधेरे चल रहे हैं। मना कर रहे हैं जाने से? मना कर दिया भाई। बह गया ये तो रास्ता, रास्ता तो बह गया, रास्ता है नहीं आगे। अच्छा आगे नदी आ रखी है, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और फिर आगे कितना आगे तक है? ये वो ना? हाँ वो नदी। अच्छा नदी आ रही है पूरी। अरे जाओ मत भाई। हाँ नहीं सही बात है यार, अब क्या करें? चलो प्लान फेल, क्या ये वाला प्लान फेल हो गया, चलते हैं। स्किड 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 मारो, ये बढ़िया वाला था। तो ट्रेल पे जाने का तो हमारा मकसद फेल हो गया, हर बार की तरह फेल ही हो रहा है सब कुछ। और सरदार खान भाई यहाँ पे चूक हुई और नदी में भी जाने के चांसेस हैं भाई। रमन भाई की गाड़ी बहुत दूर दूर तक छींटे उड़ा रही है, तो मैं थोड़ा पीछे पीछे चलूंगा यार, जब पानी में जा रहे हो। भाई साहब एक घंटा लगा था गाड़ी बढ़िया तरीके से धो के पॉलिश मारने में, और इस ट्रेल में पाँच मिनट के अंदर अंदर काम हो गया गाड़ी का। नहीं है रास्ता आगे, रास्ता नहीं आगे, बंद है। क्या हाल है भाई? बहुत ब्लॉग्स देखे भाई तुम्हारे। है हाँ यार रास्ता बह गया आगे, ऊपर पानी है। कैसे भैया? यहाँ पे बंद। चलो आ रहे और भी आ रहे लड़के, अभी बाकी लोग आगे निकल गए, हम चार पांच पीछे रह गए, तो अब हम भी निकल रहे हैं अब वापस उसी रूट पे। तो भाई जी पीरो राइडर है पीरो। मौसम बड़ा कड़क और का यहाँ पे, देखने में मजा आ रहा है, चलने में भी मजा आ रहा है। भाई डेंजरस है रोड, डेंजरस। ये सामने जो भाई जा रहे हैं उन्होंने तो रैली टायर्स लगा रखे हैं, तो उनको तो दिक्कत होने की नहीं।
लेकिन अपने को दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि अपने टायर हैं नॉर्मल वाले, हैं तो मोटे ट्रक पर नॉर्मल ही है। पूरी अंदर ही घिस गई है तो बड़ी मुश्किल से ये जो छोटा सा ऑफ रोड स्ट्रेच था इसे क्रॉस करके फिर निकल रहे हम लोग। भाई साहब एक जगह गाड़ी हल्की सी पलट भी गई, लेकिन शुक्र है जिम विम जाते हैं हम तो हाथों और टांगों के जोर से गाड़ी रोक दी हमने, बचा के रख ली, नहीं तो गाड़ी के तो लग गए होते बढ़िया वाले। और हमारी गाड़ी फंसने का मेन रीज़न है कि टायर प्रेशर हमारा फुल है, थोड़ा सा ऑफ रोड के टाइम पे कम करना चाहिए जिससे कि टायर थोड़ा चपटा हो जाए और फ्लैट में निकल आराम से पाए। लेकिन कोई बात नहीं, बाप रे मौसम बढ़िया हो रखा है। अब पता नहीं गोप्रो में कितनी धूल मिट्टी आ रही होगी या बूंदें पड़ रही होंगी, लेकिन देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी वैसे ही दिख रहा होगा जैसे मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैंने चश्मा पहना हुआ है। बहुत तरीके ओ बाप रे। चलो भैया बिना कोई तगड़ी डिफिकल्टी के निकल गए हम। ये देखो भैया इन्होंने नॉबीज यानी कि रैली टायर लगा रखे हैं, तो ये भैया तो मतलब ग्लाइड कर रहे हैं एकदम ग्लाइड। तो हो सकता है आप लोगों को आज का कंटेंट ज़्यादा पसंद आए कंपैरेटिवली मेरे बाकी कंटेंट से, क्योंकि आज हमने भैया जो जो किया है वो आज से पहले YouTube के लिए तो क्या ज़िंदगी में कभी नहीं किया। इतना ऑफ रोड कभी ना चले भैया। अरे ले कीचड़ लग गया पैर में, ले कीचड़ लग गया पैर में। पेड़ गिरा हुआ है, गोप्रो की बैटरी पता नहीं कितनी और चलेगी। अरे यार अमन भाई एकदम छींटे उड़ाते हुए निकल गए। तो बड़ा ही न्यारा नाम है गांव का, और ऑफ रोड भाई बोल रहे हैं ऑफ रोड होता किस चीज़ के लिए।
वो रोड है वहां तक, ठीक है, वहां से स्टार्ट है रोड।